नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड मुखिया प्रदेश संघ का प्रतिनिधिमंडल आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर जाकर पूरे झारखंड के मुखिया इस चुनाव में समर्थन देने का दिए ज्ञापन। सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभी मुख्य समाज के दिए ज्ञापन को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में जो सरकार है वह हमारे मुखिया लोगों को ठगने का काम किए हैं। हमारी सरकार आएगी तो जो हक और अधिकार गांव के मुखिया को सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। मुखिया गांव की सरकार होती है और इन्हें मजबूत करना हमारा प्रथम लक्ष्य होगा। मुखिया प्रतिनिधिमंडल के द्वारा सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपने ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न मांग को लेकर आज सुबह सुदेश महतो के आवास पर मुलाकात की। आज प्रदेश के मुखिया संघ के पदाधिकारियों का आज एक टीम हमारे से आए हैं। अभी चर्चाएं होंगी राज्य के परिपेक्ष में, मुखिया संघ क्या सोचे, उनके जो उनका कार्यकाल जो चल रहा है, कार्यकाल में गवर्नमेंट और उनका रिश्ता कैसे है, भविष्य में वो क्या चाहते हैं, ये सारे इश्यूज पर बात होगा। क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन या फिर पंचायत पंचायत का गठन का कल्पना हमारा था, आज वो कहाँ ठहरा हुआ है, इससे चर्चा करेंगे तो विषय आएगा। अब बताओ, जो शक्ति, जिस शक्ति पर देश का सबसे बड़ा नेता का जो सपना था कि हमारा गांव स्वराज्य की जो कल्पनाएं थी, वो कल्पना को आदरणीय महात्मा गांधी जी ने, पंचायत की बात उन्होंने ही कही थी, उन्होंने ही कहा था कि केवल सदन, सर्वोच्च सदन से इस देश को हांका नहीं जा सकता, पंच पंचायत और चौपाल पर जब तक बात और चर्चाएं नहीं होंगी तब तक इस प्रदेश को एक साथ हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आज उसी पंचायत के लोग आज अपने अधिकार के लिए, हक के लिए धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ में। और कई लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। और ये यूथ है जिनका भरोसा है पार्टी पर और इनकी कल्पनाएं कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द है, इनके सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व है और उसी दायित्व को लेकर इस चुनाव में हम सब आगे आएंगे। भाई चुनाव है, एक प्रक्रिया है, कई लोग चुनाव लड़ने के लिए आएंगे और कई लोग काम करने के लिए आएंगे।